हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क टेक पर। दोस्तों मैं हूं रंजित और चलिए आज बताने वाला हूं कि एसेट प्लेट मार्किंग कैसे करोगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। ये हो गया हम लोग का गैसेट प्लेट, इसको एरो मार्किंग करके दिया गया है। इसका क्या साइज है, यहाँ देखिए PL दिया गया है। प्लेट 235x8 मतलब 235 mm चौड़ाई है प्लेट का। देखिए यहाँ से लेके यहाँ हम लोग का 235 है प्लेट का चौड़ाई, 8 mm हम लोग का थिकनेस है प्लेट का। और यहाँ दिया गया है लेंथ 592 लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 592 लेंथ है। और 32 नंबर हम लोग का गैसेट प्लेट का आइटम है। तो ये गैसेट प्लेट मार्किंग करने के लिए देखिए यहाँ पर डिग्री दिया गया है। इधर का हम लोग का होल मार्किंग के लिए देखिए यहाँ पर डिग्री दिया गया है, और इधर का मार्किंग के लिए देखिए यहाँ पर डिग्री दिया गया है। तो डिग्री दोनों साइड का वैल्यू हम लोग का सेम है, तो सेम डिग्री लेके हम लोग को मार्किंग करना है। तो यहाँ देखिए 2500 दिया गया है, 1875 दिया गया है। 1875 मतलब ये एंगल का बैक से ये बैक हम लोग का दिया गया है 1875, और यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग दिया गया है 2500। और ये जो डायगोनल दिया गया है 3125, यहाँ से लेके यहाँ तक का हम लोग का दिया गया है डायगोनल 3125 दिया गया है। तो हम लोग अभी गैसेट प्लेट का मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है डिग्री 2500 दिया गया है, उसको 250 लेना है। आखिरी वाला जो वैल्यू को हम लोग को नहीं लेना है गैसेट प्लेट मार्किंग करने के लिए। ये जो वैल्यू दिया है जॉब को बनाने के लिए दिया गया है। तो हम लोग गैसेट प्लेट मार्किंग करेंगे तो आखिरी वाला वैल्यू को नहीं लेंगे हम लोग। तो 250 लेना है, इसको 1857 लेना है, 5 को नहीं लेना है। फिर इधर का वही सेम करना है। तो चलिए देखेंगे कैसे होगा। देखिए ये जो एंगल का बैक से देखिए ये प्लेट का हम लोग का ऊपर दिया गया है 25 mm, मतलब एंगल का यहाँ बैक लाइन हो गया, बैक लाइन से यहाँ दिया गया है 25 mm ऊपर से प्लेट हम लोग का लग रहा है। तो डिग्री हम लोग कैसे लेंगे, देखिए यहाँ 187 लेना है, मतलब ये एंगल का बैक लाइन से हम लोग ऊपर लेंगे 1875 लेंगे, दो लाइन ले लेंगे इसे। फिर ये 250 लेना है, ये सेंटर से देखिए ये प्लेट का सेंटर कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर निकल दिया है, 296 दिया है, इधर में भी 296 दिया गया है। तो ये सेंटर से हम लोग लेंगे, इधर 250 लेंगे ये वाला, फिर इधर का सेम वैसे लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे मार्किंग होता है। गैसेट प्लेट मार्किंग करने से पहले हम लोग का प्लेट का राइट एंगल करना ज़रूरी है, उसका बाद गैसेट प्लेट मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पर देखिए गैस राइट एंगल मैं कर दिया हूँ। आप लोग एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं कैसे प्लेट का राइट एंगल होता है। पहले तो हम लोग गैसेट प्लेट का साइज मार्किंग करेंगे। यहाँ चौड़ाई दिया गया है 235 और लेंथ दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का 592, और उसका सेंटर निकाला गया है प्लेट का देखिए 296 296, यहाँ से लेना है 592। ये हो गया हम लोग का 592। फिर ऊपर में और एक लाइन लेना है, ये हो गया 592। फिर इधर में लेना है 235 चौड़ाई है हम लोग का, फिर इधर में लेना है 235। ये देखिए यहाँ पर प्लेट का मार्किंग कर दिया हूँ। ये कॉर्नर से हम लोग का ये बोल रहा है 55 mm नोज बोल रहा है, और इधर डाउन में 73 बोल रहा है। सेम ऑपोजिट साइड में भी है 55 हम लोग कॉर्नर से है, और ये डाउन हम लोग का 73 है। तो ये देखिए यहाँ से हम लोग का ये 55 है, और ये डाउन हम लोग का यहाँ से यहाँ 73 है। दोनों साइड का हम लोग का सेम है, यहाँ से लेके यहाँ हम लोग का 55 है, ये डाउन में यहाँ से लेके यहाँ हम लोग का 73 है। ये हम लोग को नोज मार्किंग हो गया। ये नोज मार्किंग होने का बाद में देखिए ये प्लेट का सेंटर निकला गया है। देखिए यहाँ से ये सेंटर हम लोग का 296 है। ये 296 सेंटर निकलने का बाद में प्लेट का देखिए प्लेट से डाउन ये वाला हम लोग का दिया हुआ है 25 mm। देखिए यहाँ से लेके यहाँ हम लोग का 25 mm दिया हुआ है, उसका बाद यहाँ से लेके ये दिया हुआ है हम लोग का हाइट हम लोग का है 235 दिया हुआ है। तो सेंटर में हम लोग 25 mm डाउन लेंगे एक पॉइंट। ये देखिए हो गया हम लोग का गैसेट का ये सेंटर हो गया। ये प्लेट से देखिए प्लेट का एज से डाउन में हम लोग का 25 mm एक पॉइंट लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ एंगल का बैक लाइन 25 mm डाउन लेने के बाद में
यहाँ से डिग्री लेना है हम लोग को, तो डिग्री यहाँ का है देखिए 185 लेना है, आखिरी वाला वैल्यू को हम लोग को छोड़ देना है। तो ये डाउन हम लोग का 25 से हाइट हम लोग को लेना है 187 लेना है। उसके बाद ये सेंटर से हम लोग को इधर वही लाइन में 250 लेना है। अभी हम लोग को ये 25 डाउन लाइन से हम लोग को ऊपर लेना है 187 लेना है। तो ये हो गया 187। ये वाला प्लेट लाइन से हम लोग डाउन 25 नीचे से ऊपर लेंगे 187 लेंगे। तो ये हो गया 187। 7 लाइन को हम लोग लाइन खींच लेंगे। ये लाइन दोनों को खींच लिए। ये एंगल का बैक लाइन से देखिए हम लोग ऊपर हो गया 187 हो गया, इधर का भी 187 हो गया 187, और प्लेट हम लोग का 25 मिलीमीटर ऊपर में है देखिए। उसके बाद ये सेंटर लाइन से देखिए, ये सेंटर लाइन से बोल रहा है ये वाला हम लोग का 250, आखिरी वाला वैल्यू को हम लोग को नहीं लेना है, और ये सेंटर से हम लोग का इधर लेना है 250 लेना है। तो अभी हम लोग लेंगे ये वाला गैसेट का सेंटर निकल गया, ये सेंटर से इधर लेना है 250 लेना है, फिर ये सेंटर से इधर 250 लेना है। हम लोग का 250 पॉइंट मिल गया, ये सेंटर से देखिए इधर 250 पॉइंट मिल गया। अभी इसको सीधा लाइन मैच कर लेंगे ये सीजी लाइन से। ये देखिए सीजी लाइन हम लोग का मिल गया, दोनों साइड का हम लोग का सीजी लाइन मिल गया। सीजी लाइन से देखिए, ये सीजी लाइन से एंगल का बैक, ये एंगल का बैक लाइन है हम लोग का 18 मिलीमीटर। बैक से हम लोग का ये होल लाइन देखिए, होल लाइन ए वाला दिया हुआ है, ये होल लाइन देखिए ये है 35 मिलीमीटर। मतलब सीजी लाइन से एंगल का बैक हो गया 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर से हम लोग का होल लाइन हम लोग का 35 लेना है। उसके बाद ये हम लोग का 65 का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 65 है, और ये होल लाइन हम लोग का 35 है। ये देखिए ये सीजी लाइन से ये बैक लाइन हम लोग का 18 मिलीमीटर है, 18 मिलीमीटर बैक से हम लोग का ये वाला लाइन हम लोग का होल लाइन है 35, उसके बाद ये हम लोग का 65 है। मतलब ये 65 का एंगल है, ये बैक से हम लोग का यहाँ तक का 65 है। इधर का देखिए ये सीजी लाइन से हम लोग का 18 मिलीमीटर डाउन होगा, डाउन से हम लोग का 35 मिलीमीटर हम लोग का ये होल लाइन होगा, उसके बाद ये हम लोग का 65 एंगल का। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का सीजी लाइन, सीजी लाइन से बैक हम लोग का हो गया 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर से यहाँ हम लोग का 35 मिलीमीटर होल लाइन है हो गया, उसके बाद ये हम लोग का 65 है, ये एंगल का हम लोग का साइज है 65। ये देखिए ये सेंटर से यहाँ से दिया हुआ है हम लोग का, ये पहला होल दिया हुआ है देखिए 239 दिया हुआ है, उसका बाद ये दूसरा होल दिया हुआ है 70, उसके बाद ये जो 40 दिया हुआ है ये होल से हम लोग का ये नोज हम लोग का 40 दिया हुआ है। अपोजिट में भी सेम डायमेंशन है, ये देखिए ये सीजी से दिया हुआ है 239 दिया हुआ है, उसके बाद 70 दिया हुआ है, उसके बाद 40 दिया हुआ है ये नोज का। ये लाइन से हम लोग का इधर लेना है 239 सीजी लाइन में, ये हो गया 239। ये देखिए इधर में 239, ये अभी हम लोग का सीजी लाइन में लिया हुआ है मार्किंग। इसको अभी हम लोग होल लाइन में ट्रांसफॉर करेंगे, तो इसको राइट एंगल मारेंगे देखिए ऐसे। ये देखिए ये वाला एंगल का बैक लाइन हम लोग का स्टॉक पार्ट में है राइट एंगल में, और ये वाला लाइन हम लोग को मैच किया हुआ है, तो इसको होल लाइन में अभी ट्रांसफॉर कर देंगे। ये हो गया हम लोग का पहला होल, उसके बाद यहाँ से फिर 70 दिया हुआ है दूसरा होल, ये हो गया पहला होल, इसका बाद में 70 लेना है, ये हो गया 70, फिर इधर 40 चाहिए हम लोग को, ये 40 mm हम लोग का है, मतलब सही है हम लोग का मार्किंग। होने का बाद में अपोजिट में भी करेंगे, वैसे इसको राइट एंगल मारेंगे। ये वाला स्टॉक पार्ट हम लोग का एंगल का बैक लाइन मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया, इसको अभी होल लाइन में ट्रांसफर करना है। ये सीजी लाइन है, ये हो गया हम लोग का होल लाइन, ये हो गया पहला होल 239, ये हो गया पहला होल, उसके बाद यहाँ से हम लोग का 70 लेना है, उसके बाद ये नोज हम लोग का 40 होना चाहिए। ये हम लोग का पहला होल, उसके बाद ये दूसरा होल हम लोग का 70, ये हम लोग का 40 आ रहा है, मतलब ये हम लोग का सही है।
ये हो गया दूसरा होल, ये हो गया हम लोग का गैसेट प्लेट का मार्किंग कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आगे आप लोग को देख के मार्किंग करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।